morning from Stockholm. आज 19 फरवरी है, सर्दी निस्बतन कम है, टेम्परेचर इस वक्त जीरो है। तो रूटीन यहाँ की यही है कि सुबह निकलना और शाम को वापस आना अंधेरे में। लेकिन ये कुछ दिनों से जो जैसे मैंने कहा था कि 15 जनवरी के बाद जो है ना वो दिन के दौरान थोड़ा सा लंबा होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं है, आसानी से मोबिलिटी पॉसिबल है, जो कि दो एक दिन पहले तक मुमकिन नहीं थी। मुसलसल माइनस चल रहा था, अब चूँकि ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो के बाद बर्फ़ जो है मोर वो आमतौर पर मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो अभी तक तो जो है मुसलसल स्टॉकहोम ठंडा ठंडा है, ये लास्ट ईयर नहीं था। तो आपको किसी किस्म की स्वीडन से मतलब या स्कैंडिनेविया से मतलब किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे इस चैनल में इस वीडियो के लिंक के नीचे या किसी भी वीडियो के लिंक के नीचे अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। मेरे वीडियो चैनल को, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आती है, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखते रहिए ठंडा ठार स्वीडन। बर्फ़ पे चलना जो है ना वो ज़्यादा ख़ुद एक मुश्किल काम है। आपकी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जब नॉर्मल आप चलते हैं तो उससे ये दो गुना जो है ना आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है बर्फ़ पे चलने के लिए। गर्मियों में ये जो सारे मैदान नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सब्ज़ हो जाते हैं, घास इन पर बहुत ज़्यादा उगती है और उस घास के अंदर डेंडेलियंस के पीले रंग के फूल जो हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो नज़र आती है। लेकिन बर्फ़ का अपना मज़ा, हर तरफ सफ़ेदी छा जाती है और जब धूप निकलती है और उस धूप में जो है ना ये ब्लू आसमान, ये आपको बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, स्कैंडिनेविया में ये जो मेरे दाएं बाएं घर हैं ये बहुत लग रहा है कि ये बड़े छोटे साइज़ के हैं। छोटे साइज़ के घर बनाना असल में यहाँ की मजबूरी है, क्योंकि घरों को जो सबसे मुश्किल काम है वो होता है सर्दियों में गर्म रखना। अगर घर बड़े साइज़ के होंगे तो उनको गर्म रखना खासा मुश्किल और बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसलिए मोस्टली जो है ना लिविंग एरिया बहुत छोटा बनाया जाता है ताकि उसको आसानी से गर्म किया जा सके। और गर्मियों में भी चूँकि घरों के अंदर ही रहना होता है यहाँ, जो बाहर सर्दी होती है, तो इसलिए गर्मियों में भी उनका इनर टेम्परेचर जो है वो मेनटेन रह सके। तो इसलिए भी यहाँ जो है वो घरों का लिविंग एरिया बहुत छोटा होता है। आजकल सर्दी है, ये कारवान जो है ये घरों के बाहर खड़े हैं। अप्रैल के बाद यही कारवान सड़कों पे होंगे और यही कारवान इनके लिए घरों का काम देंगे। ये एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क अपनी पूरी पूरी फैमिली को इन कारवान में लेके घूमना पसंदीदा मशगला है स्कैंडिनेवियंस का। मैं आ गया हूँ अपने इलाके के रेलवे स्टेशन के करीब। यहाँ से ट्रेन लेंगे और चलेंगे एक क्रिकेट ग्राउंड देखने के लिए जो आजकल स्कीइंग ग्राउंड बन जाती है, और वो भी एक अपनी नौयत का मुनफरद तजुर्बा होगा आपके लिए। ले जी, वो सामने आ गई हमारी ट्रेन और यहाँ से चलिए आप मेरे साथ देखने के लिए गर्मियों में क्रिकेट ग्राउंड और सर्दियों में स्कीइंग ग्राउंड। तो रहिए मेरे साथ। स्वीडन में अभी तक पार्शल लॉकडाउन है, ट्रेनों में कोई ख़ास रश नहीं है। आम तौर पे लोग जो है वो मास्क का भी ख़ास एहतमाम नहीं कर रहे हैं क्योंकि रश ही नहीं है, ये आप ट्रेन में देख सकते हैं। तो उम्मीद है सारा सफ़र सही निकलेगा। तो चलिए साथ साथ
आपको बाहर एरिया नज़र आ रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत एक जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप है, ओपन एयर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसमें सर्दियों और गर्मियों में मुख्तलिफ खेलें, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रहती हैं। ये साथ एक खूबसूरत सी झील है जो आजकल मुकम्मल तौर पर जमी हुई है, और इस झील के ऊपर लोग जो है वो स्कीइंग कर रहे हैं। लेकिन चूँकि टेम्परेचर जो है आज ज़ीरो हो गया, तो इसमें ख़तरा है कि हो सकता है ये पानी मेल्ट करना शुरू कर दे, इसलिए आज यहाँ कोई बंदा भी स्कीइंग नहीं कर रहा, वरना दो दिन पहले तक यहाँ बहुत ज़्यादा लोग स्कीइंग कर रहे थे। ये देखिए ट्रेन बिल्कुल खाली है, कोई क्रश नहीं है, बस गिनती के चंद लोग बैठे हुए हैं। ये देखें ये झील का अभी तक मंजर आपके सामने है। जी हमारा स्टेशन आ रहा है करीब, यहाँ से हम बाहर निकल के लेंगे बस और पहुँचेंगे अपनी मतलूबा जगह पे, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत वसी मैदान जो गर्मियों में क्रिकेट स्टेडियम या क्रिकेट ग्राउंड बन जाता है, और सर्दियों में वो सारा मैदान स्कीइंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए ये लें जी हम पहुंच गए अपनी मतलूबा जगह पे। ये वसी और रीज मैदान जो आपके सामने है, ये समर में पूरा समर क्रिकेट ग्राउंड बन जाती है, और ये बहुत ही लश ग्रीन ग्राउंड है। ये एक ओपन एयर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो एक रहायशी आबादी के अंदर है। इसमें एस्ट्रोटर्फ बेस्ड फुटबॉल ग्राउंड है, इसमें वॉलीबॉल, इसमें बेसबॉल, इसमें टेनिस कोर्ट, इसमें एक ओपन एयर जिम है, और बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम गर्मियों में थोड़े से अप्रैल के बाद जब मौसम बेहतर हो जाता है, तो अप्रैल के बाद इसको हम ज़्यादा खूबसूरत तरीके से देख सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो समर में इस जगह की बना के आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। 2016 में जब ICC का यूरो क्रिकेट कप हुआ था, तो इस ग्राउंड में भी कुछ मैचेस खेले गए थे। इस ग्राउंड में दो बहुत ही खूबसूरत प्रैक्टिस के लिए पिचेस बनाई गई हैं, और नेट प्रैक्टिस के लिए ख़ास तौर पे जो है पीछे नेट लगा के अलग एक एरिया जो है वो मखसूस कर दिया गया हुआ है। तो स्वीडन चूँकि क्रिकेट पे अब खासे पैसा लगा रहा है, खासी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो स्वीडन में भी क्रिकेट की स्ट्रॉन्ग टीम्स बनती जा रही हैं, जो इनको हम समर में ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनकी वीडियो बना सकें। स्कैंडिनेवियन बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। COVID-19 की वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, जिस वजह से ये यहाँ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये रास्ते बने हुए बता रहे हैं कि यहाँ से कुछ लोग गुजरते रहे हैं। जैसे अभी एक बुज़ुर्ग यहाँ से स्कीइंग करते गए हैं। उस एज के लोगों को हम अपने मुल्कों में खुडे लाइन लगा देते हैं, या बिल्कुल कह देते हैं बाबा बेकार हो गया, लेकिन यहाँ वो 80+ 100 तक के लोग जो हैं वो बड़े मज़े से जो है ना अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को जारी सारी रखते हैं। और गलती जैसे ये सामने बुजुर्ग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह एक्टिव हैं अभी तक, और इनकी एज कम अज़ कम जो है ना वो 85+ होगी। लें जी ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको स्वीडन या स्कैंडिनेविया से मतलब किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इस वीडियो या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए, मैं यकीनन जवाब दूंगा। तो अगली मेरी अगली वीडियो तक रहिए मेरे साथ, तब तक रब रखा।